ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लगी आग। आज शाम नवाबाबाद थाना क्षेत्र झांसी में अचानक एक ऑटो पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें देख वहां भगदड़ मच गई। आग इतनी बेकराल थी कि उसने बगल में बने मकान व दुकानों को भी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। महानगर के शिवाजी नगर में सरदार हसवेंदर का एक गोदाम है जिसमें ऑटो पार्ट्स का सामान, टायर और अन्य सामान भरा हुआ था। शाम को अचानक गोदाम से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते धुआं आग में परिवर्तित हो गया। आग की लपटें देख वहां भगदड़ मच गई। आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बगल वाले घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। घंटों की मशक्कत के बाद भी समाचार लिखे जाने तक पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। आग की चपेट में आने से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया था। आप कैसे लगी, जानकारी क्या? लुआ देखी, हम लोगों ने धुआं देखा, उससे पता लगा नहीं कहाँ पीछे से आई या यहाँ से आई। और ये जो जगह है इसमें वो स्पेयर पार्ट, कार्टून, मोटरसाइकिल सामान गोदाम टाइप बना है। ये रहने लगे वहाँ पर गुरुद्वारा के पास, क्या नाम है, अभी कोई रहता नहीं था। गोदाम बना के यहाँ पर सिर्फ गोदाम था। सामान क्या बताया जा रहा है, क्या चर्चा कर रहे हैं? इसमें तो होगा 10-20 लाख का माल होगा, क्योंकि कार्टून है सारा, प्लास्टिक का आइटम है कार्टून। आसपास के और मकान में डर कब्जा होने का? अभी तो नहीं हो पाया, पक्के मकान वहाँ पे कहीं उन्हीं का जला है। आसपास के मकानों को टाइम पर पानी चलाते रहे, पानी चलाते रहे, पानी चलाते रहे, पानी पानी चलाते रहे, सारे सेफ रहे। आप कैसे लगी, जानकारी क्या आपको? अब लुआ देखी, हम लोगों ने धुआं देखा, उससे पता लगा नहीं कहाँ पीछे से आई या यहाँ से आई। और ये जो जगह है इसमें वो स्पेयर पार्ट, कार्टून, मोटरसाइकिल सामान गोदाम टाइप बना है। ये रहने लगे वहाँ पर गुरुद्वारा के पास, क्या नाम है, अभी कोई रहता नहीं था। गोदाम बना के रहा क्या? यहाँ पर सिर्फ गोदाम था। सामान क्या बताया जा रहा है, क्या चर्चा कर रहे हैं? इसमें तो होगा 10-20 लाख का माल होगा, क्योंकि कार्टून है सारा, प्लास्टिक का आइटम है कार्टून। आसपास के और मकान में डर कब्जा होने का? अभी तो नहीं हो पाया, पक्के मकान वहाँ पे उन्हीं का जला है। आसपास के मकानों को टाइम पर पानी चलाते रहे, पानी चलाते रहे, पानी चलाते रहे, सारे सेफ रहे। ये शिवाजी नगर में आग लगी है सरदार जी के यहाँ, और हेलमेट वगैरह का स्टोरेज वगैरह है, और आग अभी जल रही है। हमारी एक गाड़ी पंपिंग करके चली गई है, दूसरी 2-3 गाड़ी और लगी है, और इसको पूर्ण रूप से बुझाया जा रहा है, और इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ये देखने में आग लगने का कारण क्या रहा, किस विषय पे आग लगी, क्या बताया, कुछ जानकारी क्या? अभी विवेचना का विषय है ये। आग लगने के बाद पूछते हैं सरदार जी से कि कैसे लगी, क्या लगी। अभी तो हम लोग आग को बुझा रहे हैं, किसी प्रकार से आग को बुझाया जाए। मकान को चपेट में ली आग ने अपनी? नहीं, अभी तो चपेट में नहीं ली है, हम लोग अभी आग को कंट्रोल में किए हुए हैं। अब हेलमेट वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह है, गोदाम है, कार्टून वगैरह है, काफी मात्रा में प्लास्टिक का सामान वगैरह है, प्लास्टिक के पार्ट्स वगैरह है। अभी तो हमारी 3 गाड़ियां लगी हैं। ठीक ठीक।